Today, we are uh, sharing the uh, presentation of information retrieval. First of all, uh, we will say uh, contents. First topic is vector space model. Second one, VSM and illustration, and TF IDF normalized TF weight, and vector uh, VSM with, with an example. Okay, first of all, uh, we will say what is vector space model. बेसिकली uh, सबसे पहले हम इसका एक इंट्रो करते हैं कि वेक्टर स्पेस मॉडल होता क्या है इसके थियोरटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं कि इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और ये है क्या एक्चुअली वेक्टर स्पेस मॉडल क्या है अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें या इसकी यूजेज की बात करें तो वो हमें सर्च इंजन में नजर आएगी जिस तरह के हमारे गूगल एक कॉमन जो है वो यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है और यहाँ इसके डॉक्यूमेंट्स रिटेबल में हमें इसकी एग्जाम्पल नजर आएगी जिस फॉर सो फॉर इंस्टेंस हमें जो है अगर हमारे पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं हम कोई क्यूरी पास करते हैं ठीक है तो हम इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो कुछ रेलिवेंट्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं तो इसमें रेलिवेंसी uh, देख मतलब वेक्टर स्पेस मॉडल जो है बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है हमारी क्यूरी के अगेंस्ट रेलिवेंट्स रिजल्ट या रेलीवेंट डॉक्यूमेंट्स जिस तरह के यहाँ पे भी मेंशन है कि यहाँ पे लाइक अ वेक्टर इज लाइक एन एरे ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ऑफ वेक्टर कंटेन वेड ऑफ टर्म्स ईच वेक्टर होल्ड्स अ प्लेस ऑफ एवरी टर्म इन द डॉक्यूमेंट्स और ये एक एल्जेब्रिक मॉडल भी हम इसको कहते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड इसमें बेसिकली ये है इट यूज मेयर फॉर कैलकुलेटिंग सिमिलरिटी डिस्टेंस बिटवीन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इलेक्शन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सर्च uh, मतलब हमने एक क्यूरी पास की वो सर्च इंजन में हमारे पास जो है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे लेकिन जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन रिजल्टेंट हमारे पास आएंगे वो हमारे पास हमारा जो है वो ये आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास जो है वो सर्च इंजन के थ्रू हमारे पास जो रेलिवेंट है वो हमारी रेलिवेंट टू क्यूरी जो है वो हमें एज अ रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो ये वैक्टर स्पेस मॉडल के थ्रू हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है अब वैक्टर स्पेस मॉडल हाँ मैंने आपको पहले भी इस चीज का बताया कि एक एल्जैब्रिक मॉडल भी है वो ये अल्जैब्रिक मॉडल किस लिए है ये हम आगे जाके एक एग्जांपल में भी देखेंगे लाइक हम जो है इसको जो है, है न्यूमेरिकल ऑपरेशंस की फॉर्म में भी हम इसको जो है वो अः डिस्प्ले uh, करवा सकते हैं इस फर्स्ट ऑफ़ इन फर्स्ट स्टेप वी रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स uh, को वेक्टर ऑफ वर्ड्स में रिप्रेजेंट करवाते हैं और सेकंड स्टेप में हम इस पे न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स या न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो कि हम वेक्टर स्पेस मॉडल में कन्वर्ट करने के बाद उन पर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और ये हमारे जो uh, ये uh, ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स हैं उनको हम किसी भी माइनिंग टेक्निक लाइक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन या इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग एक्सेट्रा में अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास टू डॉक्यूमेंट्स हैं लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पल कंसिडर बिलो टर्म डॉक्यूमेंट वन runs कैट the बिहाइंड यहाँ पे सॉरी द जो है वो मिस है इस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट टू डॉग रन बिहाइंड कैट क्यूरी है हमारे पास रेड हम इस हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास टू डॉक्यूमेंट्स हैं और क्यूरी हमारे पास क्या है रेड दिस स्टेप इंक्लूड्स ब्रेकिंग ईस्ट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वर्ड्स में ब्रेक डाउन करते हैं ब्रेक डाउन मीन के मतलब हम अगर हमारे पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट है तो हम उनको वर्ड्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उस पर प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स जो है हम वो परफॉर्म करते हैं अब प्री प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो प्री प्रोसेसिंग क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में से जो है वो स्टॉपर्स रिमूव करते हैं अब स्टॉपर्स क्या होते हैं लाइक हमारे पास इस तरह के वर्ड्स जो मीनिंगलेस हैं लाइक like द है अ है या प्रपोजिशन की बात करें या ई स इस तरह के वर्ड्स अगर हम इनको रिमूव कर दें तो वो पहला स्टेप हमारे पास ये आता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में प्री प्रोसेसिंग के स्टेप अप्लाई कर रहे हैं ये हम क्यों करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कंसाइज करने के लिए के हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसाइज वे में आ जाए तो हम उसकी जो वेक्टर वेक्टर uh, जो वेक्टर स्पेस मॉडल जब हम उसका बनाएं तो हमारे पास जो है वो स्पेस जो है वो उसमें कम स्पेस uh, उसकी वेस्टेज ना हो आफ्टर प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट वी रिप्रेजेंट देम एज वर्ड्स अब कि, अब यहाँ पे हमने जिस तरह के मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कैट रंस बिहाइंड रेड

फर्स्ट टर्म में अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसका आ जाता है न्यूमेरिकल फॉर्मेशन हमने इसकी कैसे करनी है तो वो हम आगे जाके अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स इसे बोलते हैं जिसमें टर्म डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक लाइक इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हमारे पास वर्ड्स या टर्म्स होते हैं हमने ये देखना होता है के आया के जो हमारे वर्ड्स या टर्म्स हैं वो हमारे किस किस डॉक्यूमेंट्स में कितनी कितनी बार आए हैं तो हम उनको यहाँ पे जो है वो इसमें वन जीरो की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करवा देते हैं लाइक like अगर हमारा एक वर्ड या टर्म जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में आई है और वो कितनी दफा आई है तो हमने उसकी जो है वहां पे फ्रिक्वेंसी राइट कर देनी है अब जहां अब अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कैट है तो डॉक्यूमेंट वन में कैट वन टाइम आई डॉक्यूमेंट टू में भी वन टाइम और क्यूरी टर्म में अब क्यूरी हमारे पास रेड थी ना उसमें कैट वर्ड नहीं है तो वहां पे हमने क्यूरी टर्म में क्या राइट कर दिया जीरो इसी तरह से रन जो है वो डॉक्यूमेंट वन में भी है टू में भी है बट क्यूरी में नहीं है बिहाइंड की बात करें डॉक्यूमेंट वन में भी है टू में भी है और क्यूरी में नहीं है रेट की बात करें तो रेड हमारा डॉक्यूमेंट वन में भी आया है डॉक्यूमेंट टू में नहीं है और क्यूरी में भी है डॉग की बात करें तो वो हमारा डॉक्यूमेंट वन में नहीं है बट डॉक्यूमेंट टू में है और क्यूरी में भी नहीं है इस तरह से जो है हम अपने एक टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स की फॉर्मेशन जो है वो कर लेते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स और वर्ड्स जो आते हैं और उनकी हम इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं बेसिकली इस पे हम फर्दर मोर जो है न्यूमेरिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं लाइक like टी एफ आई डी एफ जिनमें हमारे पास इनकी एग्जैक्ट जो वैल्यूज uh, हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे जो क्यूरी है हाउ मच इट्स नियर टू आवर डॉक्यूमेंट्स आवर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स तो ये नेक्स्ट uh, जो है uh, मेरी ग्रुप uh, मेंबर इसको एक्सप्लेन करेंगी नेक्स्ट एग्जाम्पल में फर्दर तो नेक्स्ट हम देखते हैं वी कैन प्लॉट दी वेक्टर्स अब हम अपने वेक्टर्स को जो है वो एक्स एक्सिस एक्सिस या वाई के ऊपर प्लॉट भी कर सकते हैं लाइक पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट है एस्ट्रोनॉमी के अबाउट है उसके बाद मूवी स्टार्स हैं अबाउट मैमल बिहेवियर लाइक डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो है हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो यहाँ पे एक वो रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स डेट आर क्लोज इन स्पेस आर सिमिलर मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हमारी क्यूरी के नियरर क्लोजेस्ट होंगे इट्स मीन के वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो मोस्ट रेलिवेंट टू क्यूरी है अब इसकी हम एक ये एग्जांपल देखते हैं आगे जो है वेक्टर स्पेस मॉडल एंड इलेट्रेशन विच डॉक्यूमेंट इज क्लोजेस्ट टू क्यूरी अब इसमें हम इसमें हमें जो है वो थ्री डॉक्यूमेंट्स फाइव डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं डी वन डी टू थ्री फोर एंड फाइव कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड हैं। बट हमारी जो क्यूरी है वो हमारी क्यूरी के जो रहा है तो, तो यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मल इसकी जो है वो आ, इसको डिस्प्ले करवाया गया है कि किस तरह से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अप, प्लॉट कर सकते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जस्ट इट्स अब कह लें कि एक बेसिक concept hack if we can plot the vectors on x-axis and y-axis and on x-axis uh, in which document will close to x-axis it's mean it's our most closest to our query